हाय एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम इन माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के फर्स्ट कॉन्सेप्ट हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। एक कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्टार्टिंग फेज था वो किस तरीके था, किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मैं अपनी स्क्रीन एंड हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। आखिर ये है क्या हिस्ट्री? तो मैं आपके साथ अगर डिस्कस करूं तो ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस वेदर सर्विस मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग रिक्वायर कॉस्ट अकाउंटिंग टू ट्रैक देयर एक्टिविटीज। हम पहले जब हम क्लासेस को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे एंड देन फिर उस कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहते हैं हम उस चीज़ों को हम समझेंगे। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको ध्यान देना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वीडियो के साथ आपको साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वन बाय वन चीज़ों को समझना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में क्या बोलता है कि ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस वेदर सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग, यानी या तो आप सर्विस प्रोवाइडर हो, सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो पर्सन किसी गुड्स को सर्विस में प्रोवाइड कर रहा है, सपोज फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट एक सर्विस प्रोवाइडर है। आप कोई गुड्स परचेज करते हो तो फ्लिपकार्ट क्या करता है, सामने वाले शॉप से गुड्स को लेता है एंड आपके डोर पे वो डिलीवर कर जाता है, तो इसको हम सर्विस बोलते हैं। और मैन्युफैक्चरर किसको बोलते हैं, जो पर्सन उस गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। सपोज जब ये पेन है तो जिस कंपनी ने इस पेन को मैन्युफैक्चर किया होगा या बनाया होगा उसको मैन्युफैक्चरर बोलेंगे। तो कॉस्टिंग दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, या तो आप सर्विस कंपनी हो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या फिर आप ट्रेडिंग कंपनी हो। ट्रेडिंग बोले तो शॉपकीपर, जैसे सपोज मैं एग्जांपल दूं बिग बाजार। जब आप बिग बाजार जाते हो तो बिग बाजार क्या करते हैं, बिग बाजार एक ट्रेडर है, वो गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करती, गुड्स को सेल करती है, वो रेडीमेड फिनिश गुड्स मार्केट से परचेज करती है और अपने शॉप से लोगों को बेचती है। आपके घर के पास भी कोई एक रिटेलर होगा, एक किराने की शॉप होगी जहाँ पे आप जाके क्या करते हो, गुड्स को परचेज करते हो, तो उसे हम ट्रेडर बोलते हैं एंड उस एक्टिविटी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। रिक्वायर कॉस्ट अकाउंटिंग टू ट्रैक देयर एक्टिविटीज। सबको कॉस्ट अकाउंटिंग चाहिए बिकॉज वो अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक करना चाहते हैं। अब क्यों चाहिए वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग हैज लॉन्ग बीन यूज टू हेल्प मैनेजर्स अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ रनिंग ए बिजनेस। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि आपको बिजनेस रन करने की कॉस्ट क्या रही। सपोज अगर मैं छोटे लेवल की बात करूँ तो अगर आपके पास एक कोई किराने की शॉप होगी या कोई आपके पास शोरूम होगा, किसी कंपनी की आपने फ्रेंचाइजी ले रखी होगी, तो जब आप अपने बिजनेस को रन कर रहे होगे तो एक मिनिमम कॉस्ट आती होगी आपको अपने बिजनेस रन करने के, जैसे आपको रेंट पे करना होता होगा, आपके यहाँ आपने किसी एम्प्लॉय को रख रखा होगा उसकी सैलरी पे करनी होती होगी आपको, या लाइटिंग का खर्चा होगा आपका, या और भी छोटे मोटे आपके पास खर्चे होते होंगे। तब कैसे उसको पता कर सकते हो, चीज़ों को एग्रीगेट करके आप अपने खर्चों को जोड़ के आप मालूम करोगे कि क्या क्या खर्च हो रही है आपको इस बिजनेस को रन करने के लिए। तो वो कैसे मालूम चलेगा, वो कॉस्ट अकाउंटिंग ही बता सकता है कि आपको एक बिजनेस रन करने के लिए कितने पैसे चाहिए। मॉडर्न कॉस्ट अकाउंटिंग ओरिएंटेड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हेन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रनिंग ए लार्ज स्केल बिजनेस लेड द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग एंड ट्रैकिंग कॉस्ट टू हेल्प बिजनेस ऑनर्स एंड मैनेजर्स मेक डिसीजन। बिकॉज देखो हुआ क्या, जब आप बिजनेस को अपने डेवलप करोगे यानी आप बिजनेस का लेवल आप बाइट करोगे, सपोज पहले मैं एक ही पेन बनाता था तो जो भी सारी मेरी कॉस्ट थी वो इस पर्टिकुलर पेन पे ही मैं चार्ज कर देता था, लेकिन अब मैं 10 टाइप के मैं पेन्स बना रहा हूँ तो मैंने प्रोडक्ट्स अपने यहाँ बढ़ा लिए, तब सारा कॉस्ट तो इसके ऊपर चार्ज नहीं करोगे ना। आपने जैसे रेंट पे किया तो आप रेंट पूरा इसके ऊपर तो नहीं चार्ज करोगे, आप अपने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो आप अपने सेल कर रहे हो सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा आप चार्ज करोगे। तो वो कैसे हो सकता है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज अब देखो, जब अगर हम 90 से पहले की बात करें, जब 1900 का सिचुएशन चल रहा था उस टाइम की जो टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या था, इतना ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन नहीं था, लोगों में कंपटीशन नहीं था आपस में, बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स थे मार्केट में, बहुत कम मैन्युफैक्चरर थे और हम बहुत लोअर लेवल पे बिजनेस करते थे। सपोज अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर था उस टाइम तो मैं क्या करता था, एक गाँव, दो गाँव, 10 गाँव तक ही मैं अपने प्रोडक्ट्स को मैं सेल कर पाता था, लेकिन आज के टाइम में जो मैन्युफैक्चरर है वो विथ इन दी स्टेट या विथ इन दी सिटी सेल नहीं करना चाहते, वो विथ इन दी कंट्री और वर्ल्ड वाइड जाना चाहते हैं।
तो जब आप वर्ल्ड वाइड जाना चाहते हो या विद इन द कंट्री जाना चाहते हो तो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, बिकॉज जितने ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे, जितना ज्यादा आपके पास वैरायटी होगा, उतना ज्यादा ही आपके पास कस्टमर होगा और उतना ज्यादा ही मार्केट में आप अपना एक इमेज क्रिएट कर पाओगे। तो इसलिए क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का डेवलप होना शुरू हो गया, बिकॉज लोगों को चीजें और डिटेल्स में जानना चाहिए था। इन द अर्ली इंडस्ट्रियल एज मोस्ट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड बाई ए बिजनेस वर वॉट मॉडर्न अकाउंटेंट्स कॉल वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज दे वेरी डायरेक्टली विद द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। मनी वॉज स्पेंड ऑन लेबर रॉ मटेरियल्स पावर टू रन ए फैक्ट्री इट इज इन डायरेक्ट पोर्शन टू प्रोडक्शन। मैनेजर कुड सिंपली टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर ए प्रोडक्ट एंड यूज दिस एज ए रफ गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज। पहले जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती थी वहां पे हम कॉस्ट को बहुत ज्यादा फोकस नहीं देते थे, बिकॉज होता क्या था पहले के टाइम में, मैं आपको बता दूं, वहां पे मार्केट में कंपटीशन नहीं था, मार्केट में कंपटीशन नहीं था, तो लोग क्या करते थे, जो भी उनकी कॉस्ट आई एक उन्होंने रफ फिगर से कॉस्ट अपना कैलकुलेट किया एंड उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया और मार्केट में प्रोडक्ट बेच दिया और लोग खरीद भी लेते थे बिकॉज उन्हें पता है कि मार्केट में कोई और उस प्रोडक्ट को बेचने वाला नहीं है। लेकिन धीरे धीरे और मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में आना शुरू हुए एंड फिर लोगों में कंपटीशन शुरू हो गया। सपोज जब मैं इस पेन को मैं 10 रुपए में बेच रहा हूँ और सामने वाले इस पेन को अगर 9 रुपए में बेचेगा तो डेफिनेटली आप पेन किससे खरीदोगे, उस 9 रुपए वाले से, बिकॉज दोनों पेन सेम है, क्वालिटी सेम है चीजों की, तो लोग उसके ऊपर प्रेफरेंस देना शुरू कर दिए। तो लोगों ने क्या किया, कॉस्ट को ट्रैक करना शुरू कर दिया, बिकॉज हम अपने सेलिंग प्राइस को तो बढ़ा नहीं सकते, अगर हमें अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है तो हमें कहीं ना कहीं कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा। जैसे अगर ये पेन सामने वाला 9 का बेच रहा है और मैं भी 9 का बेच रहा हूँ, अगर मैंने अपने कॉस्ट को कम कर लिया तो मेरी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। सपोज पहले मेरी कॉस्ट 8 रुपए आ रही थी, जैसे ये पेन था ये 9 रुपए का पेन है ठीक है, एंड मेरी पहले की कॉस्ट 8 रुपए आ रही थी, तो मेरा प्रॉफिट कितना था, 1 रुपए का था। अगर अब भी इस पेन की सेलिंग प्राइस तो 9 रुपए ही रहेगी, बट अब मैंने इसकी कॉस्ट 7 रुपए पे लिया तो मेरी प्रॉफिट कितनी हो गई, 2 रुपीज, मेरी 2 रुपीज की प्रॉफिट हो गई पर पेन। तो मैंने अपने प्रॉफिट को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, मैंने अपने सेलिंग प्राइस को चेंज नहीं किया, बट विदाउट चेंजिंग इन सेलिंग प्राइस मैंने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया। तो उसके लिए क्या था, कॉस्ट अकाउंटिंग को डेवलप करना था, तो एक रीजन था ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग को डेवलप होने में। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारी, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, वेरिएबल कॉस्ट हमारी पर यूनिट फिक्स होती है और टोटल में वेरी करती है। सपोज अगर आपने अपनी यूनिट को बढ़ाई तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी सेम पोर्शन में बढ़ेगा, अगर आपने अपनी प्रोडक्शन कम कर दिया तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा सेम पोर्शन में। मतलब जितनी क्वांटिटी आप ज़्यादा मैन्युफैक्चर करोगे वेरिएबल कॉस्ट उतनी ज़्यादा इनकर होगी, जितनी क्वांटिटी आप कम मैन्युफैक्चर करोगे उतनी ही आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो एक रीजन है ये भी जो हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, सम कॉस्ट tend to remain the same even during the busy period unlike variable cost which rise and fall with volume of work। देखो कुछ कॉस्ट ऐसे भी थे जो बिजनेस में के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं हो सकते थे, मतलब आप ज्यादा मैन्युफैक्चर करो या कम मैन्युफैक्चर करो कॉस्ट होना ही होना है। जैसे अगर मान लो आपने एक शॉप ले रखा है रेंट पे, सपोज ये मेरे पास एक शॉप है जिसको मैंने रेंट पे ले रखा है, ओके अब ये शॉप है मेरे पास, इस शॉप की मुझे रेंट तो देनी पड़ेगी हर मंथ फिक्स है। अगर मैं अपनी शॉप को 10 आवर रन करूं, 10 आवर्स अगर मैं रन करूं, या फिर इसको मैं 20 आवर्स रन करूं, या फिर मैं इसको 24 आवर्स भी रन करूं, तो भी तो इसकी रेंट कितनी जाएगी, पर मंथ 10,000 ही जाएगी। तो इज रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, ये वन मंथ का तो 10,000 फिक्स है, या फिर आप 10 घंटे अपने बिजनेस को रन करो या 20 घंटे या 24 के 24 घंटे, वो 10,000 का आपको रेंट देना है। या फिर आप अपने बिजनेस को रन नहीं भी करो तो भी आपको क्या करना होगा, रेंट का कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। तो इसके बारे में ही बात करता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, अगर आप बिजनेस रन ना करो तो कॉस्ट इनकर नहीं होगी। जैसे रॉ मटेरियल, अगर मैं प्रोडक्शन करना बंद कर दूं तो मुझे प्लास्टिक की जरूरत नहीं होगी, अगर मैं प्रोडक्शन करना बंद कर दूं तो मुझे लेबर की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होंगे जो प्रोडक्शन करने की वजह से हो रहे होंगे जो वेरिएबल कॉस्ट है, और ऐसे बहुत सारे खर्च होंगे आप जो प्रोडक्शन करो या ना करो आपको उसको इनकर्ड करना ही पड़ेगा विदाउट ऑन एनी हाउ। तो डेट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, मतलब जो हमारे प्रोडक्शन के साथ लिंक नहीं है, जो टाइम के बेसिस पे डिसाइड होता है,
जो टाइम पीरियड कॉस्ट है हमारा, ओके तो ओवर नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं. ओवर टाइम विच फिक्स्ड कॉस्ट हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट टू मैनेजर्स. एग्जाम्पल ऑफ ए फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट. डेप्रिसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट का वो टाइम पीरियड का, वो हम ईयरली डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो फिक्स है. आप मशीन जितना भी रन कर लो डेप्रिसिएशन तो आप उतना ही चार्ज करोगे. एंड द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट सच एज मेंटेनेंस, टूलिंग, प्रोडक्शन कंट्रोल, परचेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, बिकॉज ये सारे डिपार्टमेंट जो आपके इंप्लॉयज होंगे वो फिक्स इंप्लॉय होंगे, वो सैलरी पे वर्क कर होंगे. तो सैलरी इंप्लॉय को तो आप ऐसा नहीं कर सकते भाई आज तू आ कल हमारे यहाँ काम नहीं तो तू कल मत आना, ऐसा आप सैलरी इंप्लॉय के साथ नहीं कर सकते हो. आपको उन्हें एवरी डे का सैलरी पे करना होगा. हाँ आप वर्कर के साथ कर सकते हो बिकॉज आप उनको पीस रेट पे कर रहे हो या डेली बेसिस पे पेमेंट कर रहे हो. तो हाँ भाई आज मेरे यहाँ प्रोडक्शन का काम नहीं है तू आज मत आना, तो नहीं आएगा आप उसको उसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा. लेकिन सैलरी एम्प्लॉय के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको उसको मंथली बेसिस पे सैलरी आपको पे करनी पड़ेगी चाहे आपकी प्रोडक्शन कितनी भी हो या आपका काम कितना भी हो, डजंट मैटर. ओके इन अर्ली 19th सेंचुरी दिस कॉस्ट वर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस टू मोस्ट बिजनेस. हाउएवर विद द ग्रोथ ऑफ रियल लोड्स स्टील एंड लार्ज स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय द लेट 19th सेंचुरी दिस कॉस्ट वर often more important than the variable cost of products and allocating them is a broad range of products lead to bad decision making. Managers must understand fixed cost in order to make decision about products and pricing. देखो हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम बदलता गया, टाइम बीतता गया, लोगों में डेवलपमेंट्स आने शुरू हो गए. पहले आप खुद देखो, पहले हम कभी वीडियो कॉलिंग नहीं करते थे. अगर हमें कोई मीटिंग करना होता तो हम फिजिकली लोगों से जाके मिलते थे और उनके साथ हम बातें करते थे, मीटिंग करते थे. बट आज का टाइम ऐसा आ गया है कि आप लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, वीडियो पे बातें कर सकते हो, आपके कॉस्ट सेविंग हो गई, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव हो गई, आपके टाइम सेव हो गए और आपको सेम आउटपुट मिला. ठीक है, तो सेम लाइक दिस ऐसा प्रोडक्शन में भी हुआ. टाइम चेंज होने की वजह से लोगों ने मशीन्स डेवलप करना शुरू कर दिए और जो पहले मैन मेड प्रोसेस थे वो मैन से मशीन मेड प्रोसेस होना शुरू हो गया. सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप दिल्ली में रहते होगे तो पहले दिल्ली मेट्रो में जितने भी मेट्रो स्टेशन थे वहाँ पे मैक्सिमम जगह पे मैनुअल टिकट कटता था. अगर आपको कहीं का टिकट लेना है, अगर आपको टोकन लेना है तो आपको मैनुअली काउंटर पे जाना होगा और पैसे पे करने पड़ते थे एंड वो आपको एक टिकट काट के आपको टोकन दे देते थे. बट नाउडेज फ्रॉम लास्ट वन ईयर वहाँ पे सब ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया. एक वेंडर मशीन ऑटोमेटिक लग चुका है जहाँ पे आप जाओ, मनी इंसर्ट करो, लोकेशन डालो कि आपको कहाँ जाना है एंड वो आपको टोकन दे देगा. तो हुआ क्या, वो जो 10 पर्सन हमने रख रखे थे टिकट काटने के लिए उसे हमने हटा दिया, उसके जगह पे हमने मशीन को इंस्टॉल कर दिया जो मशीन सेम आउटपुट हमें दे रहा है एंड वो हमारा टाइम भी सेव कर रहा है. तो इससे क्या हुआ कि फिक्स खर्चे हमारे चेंज हो गए और कम भी हो गए. सेकेंड थिंग ये भी हुआ, बट कुछ और भी खर्चे जैसे इनकर्ड हुए. सपोज अब मैं पेन को प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो इसकी क्वालिटी मुझे चेक करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मेरी पेन की क्वालिटी मार्केट में क्वालिटी से मीट नहीं करेगी बाकी कंपनी से तो मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा. तो मैंने क्वालिटी डिपार्टमेंट अपने यहाँ बनाया जो मेरी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हर एक लेवल पे चेक कर रहा है कि वो प्रोडक्ट हर एक लेवल पे किस तरीके से बन के जा रहा है, वो अपने क्वालिटी को मीट आउट कर रहा है कि नहीं. तो इन सब की वजह से हमारा क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट का बर्डन कंपनीज के ऊपर बढ़ना शुरू हुआ. हमारा डायरेक्ट कॉस्ट कम होना शुरू हो गया और फिक्स कॉस्ट बनना शुरू होगा, बिकॉज हमने मशीन्स लाए फॉर प्रोडक्ट की चेकिंग करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, पैकिंग करने के लिए हमने पैकिंग के मशीन्स लाए. ठीक है, ऐसे करके हमने बहुत सारे मशीन्स लाना शुरू कर दिया धीरे धीरे और हमारा मैन से मशीन मेड प्रोसेस स्टार्ट हुआ. और जब मशीन मेड प्रोसेस आपके यहाँ स्टार्ट हो जाए तो उसके डेप्रिसिएशन का बर्डन बढ़ेगा, उसके कुछ और भी उस रिलेटेड खर्चे होंगे जो कि बढ़ेगा और सारे खर्चे आपके फिक्स होंगे. ठीक है, तो वो सारे खर्चे फिक्स होने, जिससे क्या हुआ कि हमारा फिक्स कॉस्ट का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया. और स्पेशली जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, रोड रेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स होती है, यहाँ पे मैनमेड प्रोसेस नहीं होता, यहाँ पे सब रोबोटिक प्रोसेस होता है, यहाँ सारा कुछ रोबोट के थ्रू बनता है, बिकॉज उसमें माइनर मिस्टेक्स होती है, उसमें मिस्टेक्स होने की प्रॉबिलिटी कम हो जाती है. तो इसलिए इन सब एरियाज में हमारा फिक्स कॉस्ट का बर्डन बढ़ने की वजह से लोगों ने फिक्स कॉस्ट पर ध्यान देना शुरू कर दिया, बिकॉज अब क्या था, फिक्स कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन चुका था, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन चुका था हमारे
डिसीजन मेकिंग में, तो कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट का बर्डन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, और उसको फाइंड आउट करना। अब एक जस्ट एक, तो हम इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है जो आपको हिस्ट्री के बारे में समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। एक कंपनी है, एक कंपनी प्रोड्यूस करती है रेलवे कोचेज एंड हैड ओनली वन प्रोडक्ट, यानी कंपनी सिर्फ रेलवे कोचेज ही बनाती है, इसके अलावा कंपनी कोई और प्रोडक्ट नहीं बना रही है। टू मेक ईच कोच द कंपनी नीडेड टू परचेज $60 ऑफ रॉ मटेरियल एंड कॉम्पोनेंट एंड पे 6 लेबर एट द रुपीज 40 ईच, यानी 6 लेबर को पे करती है और सबको $40 पे कर रही है, यानी टोटल उसने 240 तो उसने लेबर के लिए पे कर दिया है एंड 60 रुपीज उसने मटेरियल के लिए पे कर दिया है, यानी टोटल उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी प्रोडक्ट की $300। ओके, नोइंग दैट मेकिंग ए कोच रिक्वायर्ड स्पेंडिंग 300 जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, मैनेजर नो दे कुड नॉट सेल बिलो दैट प्राइस विदाउट लूजिंग मनी ऑन ईच कोच। अब देखो, कोई भी पर्सन जब इसको सेल आउट करेगा तो कम से कम 300 में तो सेल आउट करेगा ही करेगा, बिकॉज ये उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट से डायरेक्ट लिंक होती है, यानी आप जितना यूनिट बनाते जाओगे उतना ज़्यादा आपका ये कॉस्ट बढ़ते चला जाएगा। फिक्स कॉस्ट टाइम पीरियड का कॉस्ट होता है, तो कहीं ना कहीं आप उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, बट आप वेरिएबल कॉस्ट को कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, उसको आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपको चार्ज करना होगा। तो एनी प्राइस अबव $300 बिकम ए कंट्रीब्यूशन टू फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी। जो भी हम 300 से अबव चार्ज करेंगे वो फिक्स कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन बनेगा, यानी वो फिक्स कॉस्ट का रिकवरी आप बोल सकते हो, रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट। एनी प्राइस अबव कंट्रीब्यूशन टू द फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी। इफ द फिक्स कॉस्ट वर से $1,000 पर मंथ, आपके फिक्स कॉस्ट कितनी है $1,000 पर मंथ, एज ए रेंट हो गया, उसमें ऑनर्स की सैलरी हो गई एंड वो सारे फिक्स खर्च उसमें इंक्लूड है। कंपनी कुड देयरफॉर सेल 5 कोचेज पर मंथ फॉर ए टोटल ऑफ $3,000, यानी एक कोच हमने कितना बेच दिया $600, एक कोच को हमने $600 में बेचा और 1000 हमारी फिक्स कॉस्ट थी, तो हमारी पर कोच की कॉस्ट कितनी आएगी, डिवाइड कर दो 5 से, यानी यहाँ पे आ गया 200, यानी आपकी एक कोच की कॉस्ट कितनी आ गई 500, और आप बेच कितने में रहे हो 600, यानी आपने प्रॉफिट कितने का अर्न किया 100 × 5, यानी आपने प्रॉफिट कितना का अर्न कर लिया $500 का आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया। ठीक है, अब सिनेरियो चेंज होता है, कंपनी अब 10 कोचेज बेचती है एंड इस पर उसने कितने का बेचा 4500 का, 4500 का कंपनी ने 10 कोचेज बेचा, तो अब देखो कंपनी का क्या हो गया। अब देखो एक बार हम फिर से हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट हमारा कितना हुआ 300 तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट था, बट अब हमने फिक्स कॉस्ट कितना हो गया हमारा, अब हमारा फिक्स कॉस्ट ओनली 100 रह गया ना, क्योंकि जब हम 10 कोचेज बना रहे हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट तो रिड्यूस हो जाएगी, तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई 400, और अब हम एक कोच कितने का बेच रहे हैं 450 का, यानी अब हम पर कोच कितना अर्न कर रहे हैं $50 हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं पर कोचेज $50। ओके, इनटू हमने कितना कोचेज बेचा है 10 कोचेज, यानी टोटल हमारी प्रॉफिट कितनी होगी $500, यानी देखो दोनों सीजनों में प्रॉफिट तो सेम रहा लेकिन हमारा कॉस्ट हमने रिड्यूस कर दिया बिकॉज हमने नंबर ऑफ क्वांटिटी को इंक्रीज किया। तो ये कहीं ना कहीं गलत तरीका है पुराने टेक्निक के हिसाब से, बिकॉज हुआ क्या, अब सपोज मान लो पूरे मंथ आपके एक रिटेल की शॉप है और पूरे मंथ आपने अपने शोरूम में से मात्र एक ही शर्ट बेचा है, तो क्या आप पूरा 10,000 का रेंट उस पार्टिकुलर शर्ट के ऊपर चार्ज करोगे कि भाई 10,000 का रेंट हो गया और प्लस इस शर्ट की कॉस्ट 1000 है, यानी अगर तेरे को एक शर्ट खरीदना है तो तू 11,000 में तेरे को कॉस्ट शर्ट खरीदना पड़ेगा। क्या आपको लगता है आपको मार्केट में बायर मिलेगा आपके प्रोडक्ट की, नहीं मिल पाएगा, बट पुराने टाइम में ऐसा हो जाता था बिकॉज पुराने टाइम में क्या था, मोनोपोली था, वही सिर्फ उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, तो मैं उसको 600 में बेचूँ या मैं उसको 500 में बेचूँ ये मेरी मर्जी है, तो कहीं ना कहीं एक रीजन था। तो अभी क्या होता है, अभी हम क्या करते हैं, एक हम रिकवरी रेट कैलकुलेट करते हैं। सपोज मुझे लगता है कि मैं पूरे महीने में मैं 1000 शर्ट की पीसेज में बेच सकता हूँ, तो मैं टोटल अपनी फिक्स कॉस्ट को 1000 शर्ट के ऊपर डिवाइड कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा एंड जितनी शर्ट मैंने बेच पाया उसमें मैं चार्ज कर दूंगा, बाकी जो मेरा बैलेंस फिक्स कॉस्ट का बच गया उसको मैं अपने प्रॉफिट से चार्ज करूंगा, उसके लिए मैं अलग ट्रीटमेंट करूंगा। तो आप जब इंटर में आओगे तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये पुराने मेथड्स का एक तरीका था
जहाँ पे हमने अपने प्रॉफिट को फिक्स कर दिए थे, हमें 5 मिनट का प्रॉफिट हम पहले भी अर्न कर देते हैं और 5 मिनट का प्रॉफिट आज भी अर्न कर रहे हैं, बट हमने सिर्फ अपनी सेलिंग प्राइस की चेंज कर दी है, बिकॉज हमें प्रॉफिट तो उतना ही अर्न करना था, बिकॉज मेरा कॉस्ट पहले ज्यादा था, अब मेरा कॉस्ट कम हो गया तो मेरी सेलिंग प्राइस कम हो गई, बिकॉज अब मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस किए हैं, बिकॉज अभी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। तो होप सो आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। इसको जरूर आप रिवाइज कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले।